ये है हमारा कॉलेज, बस नाम का कॉलेज है, बाकी है तो हमारा घर ही। यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति नहीं लग रही होगी ही, दुनिया के साथ साथ हमारे कॉलेज को भी ताला लग गया था। पर ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। इस शांति को तूफान के पहले की शांति कह सकते हैं, और इसे दूर करने तूफान अब आता ही होगा। हेलो, अरे किधर हो तुम लोग? अरे कब से वेट कर रहे हैं मैं यहाँ पे। अरे आज तो मेकअप कम करो, लॉकडाउन ब्यूटी देखनी है तुम लोग की। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, बहुत टाइम हो गया है, वी शुड हैंग आउट। वही तो अभी आने देखते हैं। अरे हाय, क्या है रे, मत रिया नहीं आई क्या अब तक? रुको जरा, सबर करो। मेकअप वाली बंदी है, टाइम लगता है उसको। क्या बोल दिए? या स्पीक ऑफ द डेविल, क्या बोल दिए? हाय यार, कैसी है? चलो जाना, क्या बोल दिए? चलो जान भी आ गए। चलो चलो चलो, हाय चल, कैसी है? बहुत लेट हो गया गाइस, चलो चलो। आपको बहुत याद किया। अपने कॉलेज में जाके अपना मूड फ्रेश बना के रखो, ताजा करो। बाय यार, ये लॉकडाउन हुआ ही क्यों? टफ डेज, यू नो, इकोनॉमिक इंबैलेंस हुआ, बहुत लोग की जॉब चली गई, और मेंटल स्ट्रेस हुआ वो तो अलग ही। यस आई नो, स्ट्रेस की वजह से मुझे बहुत सारे रिंकल्स आने लगे। मैंने योगा भी स्टार्ट किया। सर्दी की रातें आज पे सिकते वो दाने, खट पर लेट कर जो। मॉम एंड डैड के साथ मैं हाफ एन आवर योगा करने जाती हूँ। योगा इज अ ग्रेट स्ट्रेस रिलीवर गाइस। यस, आई एग्री। स्ट्रेस की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंड आफ्टर ऑल रिड्यूसिंग स्ट्रेस इज गुड फॉर एवरीवन। अरे यार, इसका तो योगा का, इसका इकोनॉमी का, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। और फिर मैंने मेरे बड़ी बहन से कहा, बड़ी बहन साथ मिलकर खाना बनाते थे और पूरा परिवार साथ मिलकर खाना खाता था। That's so lovely यार, finally you got to learn cooking यार। लॉकडाउन का मेहरबानी, नहीं तो इसके पति का तो पूरा हालत खराब हो जाता। मैं लॉकडाउन में कंप्लीट फैमिली टाइम, मैंने मेरे भाई के साथ लिटरली लूडो से लेके पबजी तक सब गेम्स खेले। घर में एक प्ले स्टेशन बन गया था। तू बड़ा चिल बैठा है, फैमिली मैटर्स। ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई भी रिलेटिव हेल्प नहीं है। दिस कोविड हेल्पर्स विल बी योर सेवियर्स फॉर आवर फैमिली। ऐसे वी हैव वन कोविड वॉरियर इन आवर ग्रुप, दिस अक्षय, ही डिलीवर्ड एसेंशियल आइटम्स टू नीडी पीपल ऑन टाइम। वी आर सो प्राउड ऑफ यू बॉय। लॉकडाउन सबके लिए प्रोडक्टिव नहीं था, लोगों के लिए घरेलू और जरूरतमंद चीजों का महत्व बढ़ गया था, और इस वजह से सोने और चांदी का महत्व अनाज और सब्जियों को मिल गया था। मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जो डेली वेजेस पे काम करते थे, और लॉकडाउन ने उनके पेट को ताला लगा दिया। तो ऐसे सिचुएशन में हम ही एक दूसरे के काम आएंगे ना। ह्यूमैनिटी इज द की टू हैप्पी लाइफ, यू नो। हर सिचुएशन में लोग ही लोगों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? करेक्ट है, यू नो, किसी ने एक सच कहा है। हम जब एक साथ होते हैं ना,
तो सब खुश होते हैं। जैसे हमें देख लो, शांति कहाँ गई वो? चलो आज हमारा कॉलेज भी बहुत खुश होगा। अरे क्यों ना खुश हो, आखिर इतने दिनों बाद यह यारों की गुफ्तगू, हंसी मजाक और चहल पहल जो हुई। जिंदगी हमें हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है। ये लॉकडाउन भी एक सीख थी और बाकी जो सीखा वही सिकंदर। तो ये थी हमारी कहानी। चलो अब निकलता हूं।